हिमाचल की खबरों का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन हंगामेदार रहा। आखिरी दिन भी विपक्ष ने एक बार फिर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से इस्तीफे की मांग की, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तू तू मैं हुई। सदन में भारी हंगामे के बाद विधानसभा स्पीकर ने सत्र को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया। हंगामे के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सीधे तौर पर विपक्ष को ही जिम्मेदार ठहराया। वीरभद्र सिंह ने कहा कि जो आरोप बीजेपी उन पर लगाकर उनसे जवाब मांग रही है वो तमाम आरोप झूठे हैं, और अगर उन्हें इसका जवाब देना ही है तो वो जांच एजेंसी को देंगे, बीजेपी को नहीं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रेम कुमार धूमल पर भी जमकर निशाना साधा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। आखिरी दिन सरकार के विकास कार्यों पर चर्चा होनी थी, जबकि विपक्ष भ्रष्टाचार पर चर्चा चाहता था, लेकिन चर्चा की अनुमति नहीं मिलने पर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। विपक्ष का आरोप है सरकार चर्चा नहीं चाहती थी, इसलिए भाग खड़ी हुई। आज हमारा आग्रह था कि चर्चा सदन में भ्रष्टाचार पे भी हो, इन्होंने कोई विकास किया तो उस पे भी चर्चा कर लें, लेकिन जो मेन मुद्दा भ्रष्टाचार का था उसको काट दिया गया, इसलिए हमने प्रोटेस्ट किया। अब अध्यक्ष महोदय ने हाउस को साइनेटाइज एडजर्न कर दिया है, इसका मतलब है सरकार चर्चा से भाग गई है, सब्जेक्ट को मान लेती तो चर्चा होती। वहीं मुख्यमंत्री का आरोप है विपक्ष को विकास पर चर्चा पसंद नहीं है। उन्होंने सत्र में हुए हंगामे के लिए पूर्व सीएम धूमल को जिम्मेदार ठहराया। पूर्व मुख्यमंत्री ही वो नहीं चाहते हैं कि सदन ठीक चले, रविंद्र रवि है। आज जो चर्चा होनी थी वो विकास के बारे में होनी थी, जो कहते विकास नहीं हो रहा। हम सब आंकड़ों से फैक्ट और फिगर देखकर हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में कितना विकास हुआ है हर क्षेत्र में, तो शायद इस किस्म की चर्चा चाहते नहीं वो। पूरे सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर बढ़त बनाने में जुटे रहे। सदन के बाहर दोनों दलों ने रैलियां भी की, लेकिन जनता के विकास कार्य पीछे छूट गए। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, धर्मशाला। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा। मोहित, अगर आपसे जाने कि किस तरीके से देखते हैं आप इस शीतकालीन सत्र को। देखिए रीना, जो ये पूरा सत्र है इसे जो है वो कह सकते हैं कि ये हंगामे की भेंट चढ़ चुका है, यानी इसमें जनता से जुड़े कोई भी मुद्दे शामिल ही नहीं थे, और जो बिल रखे भी जाने थे वो भी नहीं रखे जा सके, और जो बिल पास होने थे वो भी बिल इसमें पास नहीं हो सके। जैसे टीसीपी का जो बिल है आज माना जा रहा था कि इसे पास कर दिया जाएगा, आखिरी दिन था, और सदन में वो बिल जो है वो पहले ही पुनर्स्थापित जो किया गया था पिछले सत्र में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो लगातार हंगामा हुआ सत्र में उसके बाद कह सकते हैं कि हंगामे की भेंट चढ़ चुका है पूरा सत्र, और साथ ही जो बीजेपी और कांग्रेस है यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष वो एक दूसरे पर ही हमला बोलने में पूरा उन्होंने समय जो है निकाला है। जहां बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरती नजर आई वीरभद्र सिंह को, सरकार को, वहीं सरकार जो है इस मुद्दे से बचती नजर आई। एक तरफ जो है प्रहार किया जा रहा था, दूसरी तरफ बचाव किया जा रहा था। साथ ही अगर बात की जाए रैलियों की, तो रैलियों के जरिए जो है कोई कसर नहीं छोड़ी गई एक दूसरे को नीचा दिखाने में। तो कुल मिलाकर के जो रीना इसमें अंदर जो एक सियासी जंग शुरू हुई थी वही सियासी जंग सड़कों पर भी पहुंची, और ऐसे में जो है कह सकते हैं कि एक अखाड़ा जो है सियासी अखाड़ा जो बनकर के पूरा इस बार विधानसभा सत्र देखने को मिला। जी, यहाँ पर मोहित ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है, जिस तरीके से एक दूसरे को कमतर दिखाने के लिए रैलियां की गई और मन से आरोप प्रत्यारोप किए गए, अब बीजेपी ये कह रही है कि वो हमें जवाब ना दे बल्कि वो जांच एजेंसियों को जवाब दे। बिल्कुल, देखिए बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जांच एजेंसियों को जवाब दे, हमें ना दे, और यही बयान जो है इसी तरह का बयान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी दे रहे हैं कि वो जांच एजेंसियों को बयान देंगे कि बीजेपी कौन होती है उनसे जवाब मांगने वाली। कुल मिलाकर के जो शब्दों के वार है वो भी अब तीखे होते जा रहे हैं, और जिस तरह से अब 2017 का जो है दोनों ने ऐलान कर दिया है तो माना जा रहा है कि राजनीति जो है अब और ज्यादा गर्मा सकती है। जिस तरह से बीजेपी ने मिशन 50 का नारा दिया है इस बार और कांग्रेस ने मिशन रिपीट का नारा दिया है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को अब बीजेपी छोड़ने वाली है नहीं ऐसा लगता है, और विधानसभा में भी इस विधानसभा के जो चुनाव है वहां तक ये मुद्दा जो है ले जाने का दावा बीजेपी अब कर रही है, और
नारा जो है अब वही दिया गया है और यही नारा जो है बीजेपी का कहना है कि 2017 दिया जाएगा कि वीरभद्र हटाओ हिमाचल बचाओ। और साथ ही कांग्रेस फिलहाल जो है इस समय क्योंकि मुख्यमंत्री सीबीआई और ईडी की जांच में घिरे हुए हैं तो कहीं ना कहीं डिफेंसिव पोजीशन में जो है कांग्रेस इस टाइम पे दिख रही है और बीजेपी जो है कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सरकार को घेरने की जो है कवायद उसने और तेज कर दी और साफ तौर पर सीधे तौर पर सीएम वीरभद्र सिंह पर ही निशाना जो है वो साधा जा रहा है क्योंकि इस समय अगर कोई भी स्टार प्रचारक हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की तरफ से होगा तो वो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ही होंगे। लिहाजा बीजेपी भी इस बात को अच्छे से जानती है और जिसके चलते जो है अब इस मामले को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है लगातार। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर से मिशन 50 मिशन रिपीट ये दो तरीके के नारे दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने तरीके से दिए हैं और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी लगातार अपनी बात पर अड़ी रहेगी जब तक कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते। और साथ ही अगर हम प्रदेश सरकार की बात करें तो प्रदेश सरकार का साफ ये कहना है कि जो भी जवाब तलब करना है वो जांच एजेंसियों से करेंगे, वो बीजेपी को किसी तरीके की जवाबदेही नहीं रखते। यहाँ आपको यह बता दें कि दरअसल धर्मशाला में बीजेपी की रैली के बाद कांग्रेस की तरफ से आक्रोश रैली किए जाने पर अब राजनीति गर्मा गई है। हमीरपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री ने कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा रैली में बीजेपी रैली को फ्लॉप करार देने और छींटाकशी करने पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी से सवाल पूछने के बजाय नेता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर लगे आरोपों पर जनता को सफाई दें। वहीं कांग्रेस पार्टी ने पलटवार करते हुए बीजेपी को नसीहत दी है कि वो महंगाई के खिलाफ रैलियां करें और लोगों को महंगाई बढ़ने की असल वजह बताएं। जहाँ तक भाजपा की बात है वो हमेशा झूठे मुद्दों की बात करते हैं, परंतु मैं भाजपा के लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि वो बताएं कि एक वर्ष के कार्यकाल में तो आज तक उन्होंने महंगाई के अलावा और बेरोजगारी के अलावा क्या दिया। जवाब दे जो आरोप जो जांच सीबीआई के माध्यम से कांग्रेस नेतृत्व प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र जी पे चल रही है। चंबा के रथियार पंचायत में आय विकास के पैसों में धांधली का मामला सामने आया है। ग्रामीण कार्यों में लाखों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। इतना ही नहीं 2008 में जो लोग मर चुके हैं उन्हें मनरेगा के तहत वेतन दिया जा रहा है। पैसा पंचायत के विकास के लिए आए थे, उम्मीद जगी थी कि पैसों से पंचायत के अंतर्गत आने वाले गाँव में विकास की नई रोशनी होगी, लेकिन कुछ घपलेबाज सरकारी पैसों को हजम कर गए और लाखों रुपए के घोटाले को अंजाम दे दिया। लेकिन अब इस घोटाले का पर्दाफाश हो चुका है। दरअसल ये पूरा खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है। आरटीआई से जानकारी मिली है कि साल 2012-13 में रठियार से रहोड़ तक करीब 2 किलोमीटर तक सड़क बननी थी जिस पर 4,80,000 रुपए खर्च किए जाने थे। खुलासा हुआ है कि पैसे तो खर्च कर दिए गए लेकिन वो सिर्फ 10% ही हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि 90% काम क्यों नहीं हुआ और पैसा गया कहाँ। मैं पिछले कई सालों से देख रहा था कि यहाँ पे कई सालों से घपला चल रहा है ग्राम पंचायत रठियार में। हकीकत मुझे तब पता चला जब मैंने ये आरटीआई निकलवाई और इस रास्ते की हालत देखी है तो इस रास्ते पे 4,80,000 रुपये खर्च हुआ है 2012 और 2013 में, जबकि इस रास्ते पे चलने योग्य ये रास्ता नहीं है, यहाँ पशु तक नहीं चल सकते। इसकी शिकायत मैंने विजिलेंस विभाग को भी की थी लेकिन विजिलेंस विभाग का जो अधिकारी आया था उसने मिलकर उनको क्लीन चिट दे दी और उसने क्लीन चिट कैसे दे दी मुझे इसका सवाल चाहिए। रठियार पंचायत के घोटाले की लिस्ट सड़क तक ही नहीं बल्कि इससे आगे भी है। आरटीआई से ये भी खुलासा हुआ है कि साल 2008 में जिस शख्स की मृत्यु हो गई थी उसका नाम मनरेगा में अभी तक है, यानी मरा हुआ व्यक्ति काम कर रहा है और वेतन ले रहा है। इसी तरह आईटीबीपी में कार्यरत एक जवान जो लगभग 15 साल से अपनी सेवाएं दे रहा है और एक व्यक्ति जो एयरफोर्स में नौकरी करता है उसका नाम भी मनरेगा के रजिस्टर में दर्ज है। लेकिन देखिए कैसे इस पूरे घोटाले की जिम्मेदारी बीडीओ साहब ने पंचायत प्रधान और जेई के ऊपर डाल दी। असल में अभी मुझे ये मालूम पड़ा है कि उसमें कोई काम करवाया गया है 2012 का है, उस वक्त का जेई को पूछा जाएगा, इंक्वायरी कराई जाएगी और अगर उसमें काम पूरा नहीं हुआ है तो जो इसके जिम्मेवार हैं जैसे प्रधान है या जेई है इनके विरुद्ध आगे कार्रवाई की जाएगी और मैं खुद इसकी जो है इंक्वायरी करूंगा।
सोचने वाली बात तो ये है कि आम आदमी के खून पसीने की कमाई जो पंचायत के विकास के लिए आई थी उसे हड़प लिया गया, उसका गबन कर लिया गया। माना तो ये भी जा रहा है कि ये घोटाला और बड़ा हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि उन घोटालेबाजों पर कानून का शिकंजा कब कसेगा जिन्होंने इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया है। शिव शर्मा, जी मीडिया, चंबा। शिमला जैसे शांत शहर में उस समय दहशत फैल गई जब दो युवकों ने कमला नेहरू अस्पताल के बाहर गोलियां चला दी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक दुकान में घुसकर जमकर हंगामा किया और दुकानदार से मारपीट भी की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। किसी भी अस्पताल में या फिर उसके आसपास शोरगुल ना किए जाने की हिदायत दी जाती है ताकि मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, लेकिन शिमला के कमला नेहरू अस्पताल के बाहर कुछ ऐसी आवाज हुई जिसकी वजह से वहां मौजूद हर शख्स डर गया। अस्पताल के बाहर कुछ युवकों ने फायरिंग की। इतना ही नहीं, इससे पहले अस्पताल के नजदीक बनी एक दुकान में जाकर भी हंगामा किया और दुकानदार के साथ मारपीट की। तकरीबन 50-60-70 लोग यहाँ जमा हुए, तो उन्होंने पब्लिक ने ही उससे गन छीना। गन छीन के वो राउंड वगैरह भी पुलिस ने उस वक्त नीचे से उठा दिए और उन दोनों को अरेस्ट कर दिया है। अब बाकी कार्रवाई तो चल ही रही है अभी, लेकिन मेरे साथ भी उन्होंने बड़ा जस्ती कर दिया, फैमिली के साथ किया है। दो जने आए वहाँ पे, आग जला रहे थे, बैठे हुए थे और तीन फायरिंग की उन्होंने यहाँ पे, और जब उनको मना किया गया कि आप यहाँ फायरिंग ना करें तो वो हमारे साथ लड़ने फंस गए। यहाँ नीचे बेगम जनरल स्टोर में अंकल को मारा, आंटी को भी मारा। दुकानदार की शिकायत पर जब मौके पर पुलिस पहुंची तो दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी रिवॉल्वर भी जब्त कर ली गई। उनके खिलाफ FIR दर्ज करके दोनों लड़के अजय कुमार और अक्षय कुमार को अरेस्ट किया गया है और उनका जो सरकारी लाइसेंसी रिवॉल्वर था उसको भी कब्जे में लिया गया है। पुलिस ने भले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हो लेकिन अस्पताल के बाहर जिस तरह से फायरिंग की गई उसने अस्पताल की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और इस वजह से स्थानीय लोगों में भी खौफ बना हुआ है। विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। और चलिए इसी के साथ हमारा हिमाचल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।